आया। बीजेपी बोले था कि जल्दी जल्दी पीएससी जांच घोटाले के जांच करवाएंगे, उसका भी अभी तक नहीं है। बार बार न्यूज आ रहे सीबीआई को दे रहे, सीबीआई को कब देंगे? सीबीआई को बस सरकार से एक गुजारिश है कि सीएम को भी भर्ती निकाल दे और उसने भी थोड़ा एक्ट करना है, लेकिन अपने विश्वास जो खरे नहीं उतर रहे हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं मनीष सरन, छत्तीसगढ़ तक के विशेष कार्यक्रम में आज हम ऐसे लोगों के बीच पहुंचे हैं, जैसा कि कहावत है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग होता है और एक स्वस्थ दिमाग ही देश की सही राजनीति को समझ सकता है, अपने लिए बेहतर चीजें की कल्पना कर सकता है और संघर्ष भी कर सकता है। ऐसे ही संघर्षशील ये लोग हैं जो लगातार मैदान में पसीने बहाते हैं और अपने बेहतर भविष्य को बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ये मेहनती लोग जो हैं, ये सरकार से अपेक्षाएं भी करते होंगे। निकट भविष्य में लोकसभा चुनाव है और ऐसे स्थिति में जो है वो क्या कैसे चाहते हैं और अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों से उनकी क्या अपेक्षा है, ये जानने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहला सवाल जो इस पूरे जो है झुंड को कोच करते हैं, आप कोच हैं, जरा सा परिचय अपना बताइएगा। मैं देख रहा हूँ कि आप सब भारतीय सेना में रहे, शायद एक देशभक्त के लिए अपने सरकार से, खासकर जो छत्तीसगढ़ जैसा नया स्टेट है, ऐसे सरकार से क्या आप उम्मीद रखते हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? जी नमस्ते, मैं भूतपूर्व सैनिक किशन सिंह, मैं अभी रक्षक फिजिकल एकेडमी का संचालक करता हूं और हम सरकार को चुन के लाए हैं और हम सरकार से यही अपेक्षा करते हैं कि निरंतर भर्ती लाते रहें बच्चों के लिए, डिफेंस जॉब के लिए। जैसे अभी पुलिस का 6000 वैकेंसी आया है तो बच्चे उसके लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं फील हो जाए, कहीं ना कहीं हम लोग देश की सेवा करें। मेन मुद्दा था देश की सेवा करना, तो ये बच्चे देश की सेवा करने के लिए इतना जूझ रहे हैं कि हाँ हम देश का सेवा करने कोई से भी लाइन हो, जब देश की सेवा करना है उनको बस। और जैसे कि अभी बच्चों में देखा गया है कि जो अभी आर्मी का जो परमानेंट भर्ती था तो उसमें अच्छा रुझान था, पहले लोगों में अलग से जोश था, और अभी क्या अग्निवीर वीर आने के बाद 4 साल के बाद इनका कम हो गया। जैसे मैं सिखाता हूँ तो उस चीज के लिए इन लोग का जो संख्या है वो कम हो गया सीखने के लिए, क्यों मेंटेलिटी ये है कि बस 4 साल के लिए है ये है, लेकिन हम गाइड करते हैं कि 4 साल नहीं, आपका परमानेंट हो जाएगा, आप जैसे मेहनत करेंगे हो जाएगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो डाउन हो जा रहा है। तो देशभक्ति की भावनाएं जरा इस लिहाज से कम हो जाती हैं कि सिर्फ 4 साल क्या ही नौकरी करेंगे और सेना बनना है तो फुल टाइम का सेना का जवान बने, ऐसा सोचते हैं क्या? यस सर। तो क्या चाह रहे हैं सरकार से आप? मेहनत तो उतना ही करते हैं सर हम लोग, जैसे परमानेंट रहेगा फिर भी और अग्निवीर में वैसे तो हम लोग को परमानेंट चाहिए। कभी ऐसा लगा कि ये जो पसीना बहाते हैं हम ग्राउंड जीरो पे, इसकी कदर जो है जो आपके चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो गाहे बगाहे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि देखो पीएससी घोटाले यहाँ पे कथित तौर पे हो गए, एसआई की परीक्षाओं के जो है परिणाम नहीं निकल पा रहे हैं, कई बार बोलते हैं रद्द कर दो परीक्षा, कैसा माहौल बना हुआ है यहाँ? माहौल तो अभी बोला जाए तो कुछ उतना खास नहीं है सब चीज़ों को देखने के बावजूद, मगर फिर भी एक वो आस लगे रहती है कि देश की हम कैसे सेवा कर सकें अपने भारत देशों की, बस इसी को लेके यहाँ पर चल रहा है। अगर मौका नहीं मिला किसी नौकरी में जाने का या जॉब ले पाने का, इतनी मेहनत का क्या मतलब निकलेगा फिर? जी सर, सरकार से मैं बोलना चाहता हूँ कि हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग की जो मेहनत है उस पर सरकार ध्यान दे, है ना। बच्चे सुबह आते हैं, शाम को भी आते हैं, पेन किलर खा खा के दौड़ रहे हैं, तो सरकार से यही उम्मीद है कि भर्ती लाते रहें। और जो जैसे कि मेरे छोटे भाई बहन लोग भी हैं तो उन लोग के लिए जो अग्निवीर है परमानेंट कर दिया जाए। ये सरकार बनी है अभी जो है नई सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, उससे क्या उम्मीद है आपको? सर उससे तो हम लोग चुन के लाए हैं, कुछ अच्छा हम लोग के लिए करेंगे, है ना। स्टूडेंट भी है और पीएससी की स्टूडेंट भी है और तैयारी भी करते हैं, तो मैं सरकार से यही निवेदन रहेगा मेरा कि कहीं ना कहीं हम लोग के ऊपर ध्यान दें और जो घोटाला होता है उस पर कहीं ना कहीं रोकथाम करें। ये घोटाले की भी जिक्र कर रहे हैं, आपको पता है क्या नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है? विष्णु देसाय जी, ये बताओ बेटा विष्णु देसाय से आप क्या कहना चाहोगे जबकि आप मेहनत कर रहे हैं इस तरह की चीजें? हम ये कहना चाहते हैं सर, जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं ना सीजी पुलिस के लिए, उसमें कोई घोटाला ना हो, जो हम लोग मेहनत यहाँ पसीना करके जो कर रहे हैं वो सही सलामत हो और कोई घोटाला ना हो इसमें सीजी पुलिस में। अभी लोकसभा चुनाव है इस बार, अगर इस तरह की स्थिति बनी रही तो क्या वोट करेंगे किसी बीजेपी के कैंडिडेट को या फिर कांग्रेस कैंडिडेट को? जी करेंगे सर। किस लिहाज से करेंगे, क्योंकि घोटाले अगर नहीं बंद हुए ना तो घोटाला बंद करने के लिए उनको मतलब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए घोटाला, तभी तो देंगे हम लोग ये वोट। अच्छा रखते हम लोग
कि घोटाला नहीं होना चाहिए, ऐसा अपेक्षा, ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि घोटाले ना हो और समय पे जो है वो परिणाम निकले और इसी लिहाज से जो है वोट करेंगे। क्या लग रहा है कि जो मौजूदा सरकार है या जो पिछली सरकार थी कांग्रेस की, उन दोनों में क्या समझ में आता, क्या बेहतर है? बेहतर सर जो युवाओं के लिए काम करेगा वही बेहतर है। वैकेंसी लाए उसको कंटिन्यू करे, जल्दी उसको मतलब उसको प्रोसेस को करे। ये नहीं कि बार बार डेट बढ़ा रहे हो, फिजिकल के रोक रहे हो, रिटर्न को नहीं करवा रहे हो, ऐसे में हम लोग का कहाँ विकास हो रहा है? अब लोकसभा चुनाव होंगे तो ये सब चीजें दिमाग में रहेंगी आपके? रहेगा सर, पड़ेगा, हर युवा को रहेगा। बीजेपी बोले था कि जल्दी जल्दी पीएससी जांच घोटाले की जांच करवाएंगे, उसका भी अभी तक नहीं है। बार बार न्यूज आ रहे सीबीआई को दे रहे, सीबीआई कब देगा? सीबीआई को अभी तक तो वो नहीं रहा कुछ। 2021 का फॉरेस्ट गार्ड को हुआ है, उसका फिजिकल हो गया, रिटर्न नहीं हुआ। उसके बाद नया वैकेंसी आया है, उसका भी मतलब फॉर्म डल गया, ऑनलाइन अप्लाई हो गया है, उसका भी फिजिकल कोई पता नहीं है। अभी छत्तीसगढ़ गया है, अभी पुलिस का अक्टूबर से आया है, अभी तक उसका बार बार डेट बढ़ा रहे, अप्लाई क्या है सर? ये सवाल है सरकार से कि आखिरकार ये ऐसी स्थिति क्यों है, और युवा समझना चाहता है कि क्या है जब आप इनसे ऐसे बच्चों से डील करते हैं, क्या लगता है कि इन्हें मानसिक रूप से मजबूत करना भी एक चैलेंज है आपके लिए? फिजिकल तो करा ही लेते हैं आप। नहीं नहीं, मानसिक रूप से बच्चे स्ट्रांग है बस, लेकिन यह है सब वयस्क बच्चे हैं तो इनको पता है कि हमारा अच्छा बुरा क्या है। क्या हम लोग फौज की तैयारी करते हैं, फौज में क्या राजनीति, हम लोग राजनीति से परहेज करते हैं जी, दूर दूर रहते हैं, बहुत दूर दूर रहते हैं। बाकी सरकार हम चुन के लाते हैं, हमारे मत से होते हैं सरकार, तो हम इस सरकार से बस यही चाहते हैं कि वैकेंसी लाए, बस गड़बड़ियां ना हो, जल्दी वैकेंसी फिल करें ताकि हमारे साथी जो है अपना देश का सेवा निरंतर करते रहे। आप जब लोकसभा चुनाव होंगे थोड़े ही महीनों बाद जी, इन सब मुद्दों को ध्यान पे रखेंगे आप? अब मैं तो रखूंगा, बाकी अपना बच्चे लोग हैं इनका अलग अलग। आप भी ध्यान रखेंगे इन सब मुद्दों का? क्या फिर क्या करेंगे, क्या लग रहा है कि मैं ज्यादातर समय हमने समझा कि थोड़ा आगे आ जाइए, ज्यादातर समझा हमने कि दो गलत और सही में से चुनाव नहीं करना होता, दो गलत में से चुनना होता है, ऐसा विडंबना होती है अक्सर। जो सही है उसकी सुनना, मतलब जो आगे देश को बढ़ाए, विकसित करे, जो आगे काम करे बढ़िया। अब ये डबल इंजन की सरकार बोल रहे थे, ठीक है, छत्तीसगढ़ में क्या वो डबल इंजन से पुश हो रहा है सरकार? अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है सर जैसा होना चाहिए, मगर फिर भी आस लगा है कि अब ना कुछ होगा, आज कुछ होगा, ऐसा करके आस लगा हुआ है। उम्मीदें हैं, उम्मीदें बस हैं सर। ये थोड़ा आगे आइए, आपसे भी जानना चाहेंगे, अपना परिचय भी थोड़ा बताइए, कितने समय से मेहनत कर रहे हैं और कितनी उम्मीद है कि जॉब वॉब नौकरी सोकरी जो है मिल जाएगी? अभी तो यहाँ मेरे को फिलहाल ज्वाइन में 15 दिन हुआ है, और अपने साइड से सर हमारा मतलब पूरा सहायता मतलब मदद करते हैं। सर तो पूरी मदद करते हैं, सरकार से क्या उम्मीद है, क्या पूरी होगी नहीं होगी? सरकार से उम्मीद तो बोले जाए तो ये जो वैकेंसी है इसको बार बार आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे कर रही, इससे थोड़ा निराशा हो जाता है, क्योंकि जितना भी सीट है उससे क्या है कॉम्पिटिशन बढ़ते जाता है, क्योंकि डेट बढ़ाते जा रही है तो उसमें कॉम्पिटिशन भी बढ़ते जा रही है, उसमें जो पार्टिसिपेट है उन लोग भी अपना एक से दो डबल डबल बढ़ाते जा रहे हैं जी। तो ये आपने देखा कि किस तरह से जो है युवाओं में एक तरह का भ्रम का स्थिति भी बना हुआ है। बेटा हम आपसे जानना चाहेंगे, महिलाओं के लिए बहुत लिमिटेड समय होता है कि जो वो अपने कैरियर को तैयार करें, क्योंकि फिर उनके पास शादी वादी करने का भी दबाव होता है, और अगर आपने ठीक से नहीं तैयारी की, समय पे नहीं वैकेंसी आई और नौकरी नहीं लगी तो पूरा मेहनत व्यर्थ हो जाता है। फीमेल्स कैंडिडेट के हिसाब से कैसा लग रहा है इस वक्त का समय आपको? तैयारी कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है। अभी महिलाओं का सभी का जो एज बढ़ा दिए हैं, बस सरकार से एक गुजारिश है कि सीएफ का भी भर्ती निकाल दे और उसमें भी थोड़ा एज को बढ़ा दे। आपको ज्यादा कंफर्टेबल क्या लगता है, मोदी की गारंटी ज्यादा पसंद आती है स्टेट गवर्नमेंट का? गारंटी तो है, लेकिन अपने विश्वास पे खरे नहीं उतर रहे हैं। किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? सरकार का शिथिल रवैया ही है। फिर क्या करेंगे, लोकसभा चुनाव है नजदीक में, इसको ध्यान पे रख के वोट वोट करने वाले हैं क्या? काम नहीं करेंगे तो हम लोग तो बीजेपी कैंडिडेट को सोचना पड़ेगा फिर। जी, दबी जुबान में ही सही लेकिन सही बातें करती हैं लड़कियां, खासकर जो है स्पष्टवादी होती हैं। बेटा आप बताओ, काफी छोटे से लग रहे हो आप, कितना समय हो गया इसमें प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं, और क्या लग रहा है कि नौकरी वोकरी मिलेगा नहीं मिलेगा? नौकरी की संभावना है मतलब मिल जाएगा, सरकार से यही उम्मीद है कि जो वैकेंसी निकाली है उसमें मतलब खड़ा उतरने की, कि जल्द से जल्द उसको पूरा करने की। नहीं करेंगे फिर क्या करना है?
करेंगे ऐसा वादा, मतलब घोषणा किए हैं, मतलब मैं चाहती हूँ कि मतलब उस घोषणा में खरा उतरना चाहिए। बच्चियां हैं बहुत सीधे साधे शब्दों में, कम शब्दों में बताना मांगते हैं कि अगर सरकार ने कोई घोषणा की है, कोई वादा किया है, खासकर राज्य सरकार ने, तो उनको पूरा करना चाहिए। मोदी की गारंटी जो है वो पूरी होनी चाहिए, ऐसा वो मानते हैं। कौन कौन सी गारंटी आपको दिमाग में आती है जो मोदी गारंटी पूरी हो जानी चाहिए इस बार? गारंटी नहीं चाहिए सर, हमको भरोसा चाहिए। और सबसे पहली बात, जो पुलिस भर्ती हुई है उसको आगे ना बढ़ाया जाए, कहीं ना कहीं टाइम से पूरा कर दिया जाए। क्योंकि जैसे कि आपने बोला, जैसे कि बहन लोग आते हैं, कई लोग का कम उम्र में ही शादी हो जाते हैं, और कई लोग का क्या होता है, बहुत मुश्किल से उन लोग को बाहर एक तो पढ़ने के लिए भेजे जाते हैं घर से, और बहुत सारे बच्चे लोग जो है गाँव से आते हैं। तो सरकार से यही वो है कि जल्दी जल्दी भर्ती करे, पिछली भर्तियों की तरह इसमें घोटाला ना हो। और भर्ती मैं उम्मीद करता हूँ सरकार से कि जितनी जल्दी भर्ती को करा दिया जाए, ताकि जैसे कि मैं 2021 से तैयारी कर रहा हूँ। अभी क्या है, घर वाले लोग शादी वादी के लिए भी बोल रहे हैं, लड़की उड़की, तो जैसे तैसे करके मैं घर वालों से मना के आया कि 2-3 महीने में हो जाएगा। किसान परिवार से आते हैं, है ना, तो कोई वाली बात है कि सरकार से उम्मीद मैं करता हूँ कि जल्दी जल्दी भर्ती को कर दिया जाए। बहुत निराशा होगी अगर ये वादा जो है पूरा नहीं हुआ और नौकरी नहीं मिली मेहनत करने के बाद। दुख लगता है सर, दुख लगता है। आप देखिए, पेन किलर खा खा के ये मेकअप लगा के हम लोग जो है रनिंग करते हैं, डॉक्टर के पास भी जाते हैं, वो क्या करते हैं, पेन किलर देता है, इंजेक्शन लगा देता है, 4 दिन ठीक रहता है, लेकिन हम लोग तो कंटिन्यू मेहनत कर ही रहे। तो इनसे सरकार को अपनी मेहनत को भी देखना चाहिए, और हम लोग की जो पीड़ा है उनको भी समझना चाहिए सरकार को। ये जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं विष्णु देसाई, ये बच्चों की पीड़ा जो है वो जरूर समझे। ये जो मेहनत करते हैं, ग्राउंड जीरो पे पसीना बहाते हैं, इन्हें दरकार है सरकार के वादे के पूरे होने की। ऐसे में सरकार इनके जो है उम्मीदों में कितना खरा उतरता है, ये निश्चित तौर पर निकट भविष्य में स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल इन्होंने डबल इंजन की सरकार से, केंद्र और राज्य सरकार से, ये उम्मीदें रखी हैं कि जो कुछ उन्होंने कहा है वो करेंगे, और इस तरह से इनका भविष्य जो है वो सुनहरा हो सकता है, या वो जो इन्हें सपना देखे यहाँ आए हैं वो पूरा हो सकता है। इनके मेहनत व्यर्थ ना जाए, इस बात का ख्याल जो है शीर्ष नेताओं को रखना चाहिए। और लोकसभा चुनाव में अगर इनकी वादे पूरे नहीं होते तो इसका असर देखने को मिलेगा, ऐसी बातें भी इन्होंने जो है स्पष्ट रूप से कही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये साफ हो जाता है कि इस बार जो लोकसभा चुनाव है वो इस लिहाज से महत्वपूर्ण है, बावजूद इसके कि इसमें छत्तीसगढ़ की नई सरकार है, इनके नाराजगी, इनका रोष, इनका उम्मीद, और जैसा कि कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग होता है, इन स्वस्थ दिमाग ने बड़ी ही बेबाकी से साफ सुथरी बातें कही है। कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ मनीष शरण, छत्तीसगढ़ तक, बिलासपुर।